किसी को कोई इजाजत नहीं है। भाई की तरफ से नंबर भी नहीं लगा। ये लो, ये देखो, जमीन पे बैठी हुई तस्वीर पिक कर लो। मियां महमूद रशीद मौजूद थे, यास्मीन राशिद मौजूद थी। मुझे किसी का पता नहीं है। अच्छा, क्या हुआ, क्या है आपको, किस चीज़ का? मुझे तो अपना पता, इन्होंने आके मेरा दरवाजा जोर जोर से, इनको क्या जरूरत थी कब मेरे घर के अंदर आने। अंदर दाखिल हुए? हाँ जी, अंदर दाखिल होके लाउंज में, फिर बेडरूमों में गए हैं। तीनों चारों में से मेरा दरवाजा जोर जोर से जब किया, मैं तो एकदम से डर गई। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी शराफत दिखाए। ये तो नहीं ना है अपना मैडम, कुछ फिजिकली डांटे। चल भाई मूव कर। हैं चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया, ड्राइंग रूम के अंदर घुसे, ग्लासों को तोड़ा और बगैर किसी वारंट के। मैं समझता हूँ कि ये एक बुजदिल हुकूमत का बुजदिलाना कदम था और इंशाल्लाह ताला लाहौर इसका जवाब देगा। एहलियान लाहौर 25 तारीख को निकलेंगे और इन गिरती हुई दीवारों को एक दफा के लिए हमेशा के लिए गिरा। अच्छा हमारे साहब, एक चीज और बता दीजिएगा कि क्या वजह थी कि पुलिस ने 25 को आपकी तारीख थी कि आप लोगों ने निकलना था, 23 को ही ये क्रैक डाउन कर दिया? देखें, पुरमन एहतजाज करना और एक जमहूरी और आईनी हक है, और मैं समझता हूं कि आज जो मेरे घर में हुआ है ये आईन की खिलाफ वर्जी थी। चादर और चार दीवारी का को पामाल किया गया। मैं एक सिटिंग इस वक्त, क्योंकि मेरा तो इस्तीफा भी एक्सेप्ट हुआ, एक रुकन कौमी असम्बली हूँ, साबिक वफाकी वजीर हूँ और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मैं रुकन रह चुका हूँ। अगर मेरे घर के साथ ये हो सकता है तो आप सोचें कि आम आदमी के साथ ये क्या। लेकिन हम आप भागने वाले नहीं हैं, हम इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे। हमारे वर्कर्स के घर पे भी छापे हैं।